Hey guys, welcome back to my channel. आज मैं आपके लिए लाई हूँ घर का बना हुआ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रायता मसाला। ये रायता मसाला बनाने में बहुत ही आसान, इसे आप घर के रख के सामान से फटाफट बना के तैयार कर सकते हैं और इसे कई दिनों तक फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं, बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो हम चलो शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। रायता मसाला बनाने के लिए हमने एक पैन लिया, पैन में हम डालेंगे 4 चम्मच जीरा और इसी के साथ डालेंगे हम 3 चम्मच सौंफ। आप यहाँ पे क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा। 2 चम्मच डालेंगे हम यहाँ पे खड़ा धनिया, 1 चम्मच डालेंगे हम यहाँ पे काली मिर्च और 1 छोटा चम्मच ही इसमें हम डालेंगे अजवाइन। 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें हम हींग। क्या करेंगे यहाँ पे हम सारी चीज़ों को स्लो फ्लेम पे भून लेंगे। यहाँ पे हमें आज का बहुत ध्यान रखना कि हमें ऐसे स्लो फ्लेम पे ही भूनना है, नहीं तो क्या होगा, ये अगर हम फुल पे भून लेंगे तो ये जलने लगेगा और जलने जैसी स्मेल आएगी। तो स्लो फ्लेम पे भूनेंगे तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो इसे हम 2 से 3 मिनट स्लो फ्लेम पे भून लेंगे। हमें इसे चलाते हुए इसे रोस्ट कर लेना है क्योंकि अगर बीच में छोड़ देंगे तो ये एक तरफ से जलने लगेगा। पे हमें 2 से 3 मिनट हो गए इसको भूनते हुए और इसका कलर देखिए पहले से थोड़ा सा चेंज हो गया है। हमें इसे बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, तो ये हल्का सा इसमें अच्छी सी स्मेल आ रही है भूनने की। तो हम यहाँ पे गैस को कर देंगे बंद और इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अगर हम इसी में छोड़ देंगे तो ना ये बहुत ज़्यादा जलने जैसी स्मेल आएगी क्योंकि बर्तन गर्म में रहता तो इसकी कुकिंग प्रोसेस रुकेगी नहीं और हो जाएगी, मतलब ये बहुत ज़्यादा भुन जाएगा। तो हमें इसको अभी प्लेट में निकाल लेना है। इसको एक बर्तन में निकाल के ठंडा कर लेंगे। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। इसलिए हमने एक मिक्सी का जार, अब मसाला बिल्कुल ये जो खड़ा मसाला हमने भुना था ना ये बिल्कुल ठंडा हो गया, तो हम इसे जार में डाल दे रहे हैं। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सफ़ेद नमक, जो नॉर्मल वाला नमक होता है ना हम लोग सब्जी वगैरह में डालते हैं वो वाला। 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे मैंगो पाउडर, अमचूर पाउडर भी बोलते हैं इसको, तो आप क्वांटिटी देख के डालिए। डालेंगे हम इसमें काला नमक। 1 चम्मच इसमें डाल रहे हम पुदीने का पाउडर, हमने यहाँ पे होममेड पुदीने का पाउडर लिया है। लिड लगा के पीस लेंगे। ये इसको मसाले को पीस लिया है। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेनर लेंगे और उसमें हम इसको छान लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रेनर लिया है, मसाले को हम इसी में छान लेंगे। चाहो तो आप इसे ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर क्या होता है कभी कभी कुछ बड़ा कड़ रह जाता है ना। हम एक स्पून लेंगे, स्पून की सहायता से इसको हम छान लेंगे, थोड़ा सा हाथ से छान लेंगे। ये कितनी इजीली ये छन गया है। अब इसे थोड़ा सा मोटा मोटा रह गया ना, इसको हम इसमें जार में दोबारा से डाल के पीस लेंगे तो ये भी फाइन हो जाएगा। अब इसको हम जार में डाल के दोबारा से पीस लेंगे तो ये फाइन हो जाएगा। तो लीजिए हमारा यहाँ पे होममेड रायता मसाला बन के रेडी हो गया है। अब इसको एक जार में कर लेंगे। अभी मसाला को हम जार में कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक जार लिया, जार में हम मसाला को अच्छे से भर के रख देंगे और ये काफ़ी दिनों तक चल जाता है। आप इसे स्टील के डिब्बी में भी भर के रख सकते हैं या फिर प्लास्टिक की, आपके पास जो भी हो। लीजिए यहाँ पे मेरा मसाला हमने इसे भर के रख दिया और इसे काफ़ी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। और आपको ये पता है हमने इसमें क्या क्या डाला, तो बहुत घर का बना हुआ मसाला वैसे भी अच्छा होता है, तो आपको ये पता चलता है कि हम क्या क्या खा रहे हैं, बाहर के मसालों में क्या मिलावट होती है हम लोग को नहीं पता होता है। तो आप भी अपने घर में बनाइए और एंजॉय कीजिए। तो हमने आज अपने घर में खीरे का रायता बनाया, तो हम इसमें आपको डाल के दिखाएंगे कि हमें कितना मसाला यूज़ करना है। हमने यहाँ पे 1 कटोरी रायता लिया, तो उसमें हमने 1/2 चम्मच रायता मसाला डाल दिया और रायते को हम इसमें कर देंगे अच्छे से मिक्स। थोड़ा सा हम इसके ऊपर डाल देंगे चिली फ्लेक्स, उसे देखने भी और अच्छा लगेगा। नमक यहाँ पे अपने टेस्ट के अनुसार आप मिला सकते हैं क्योंकि नमक मसाले में भी है, तो नमक हमें इसमें थोड़ा सा ही डालना है। अब डालने का हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस मसाले को आप अपने घर में 2 महीने तक फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं, ये मसाला ख़राब नहीं होता है बहुत जल्दी। अभी अपने घर में इस मसाले की रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और ट्राई करने के बाद पसंद आ रही है रेसिपी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली में। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। We'll be right back.